बिहार में बहार है, नित्य कुमार है, ऐसी बहार है जिनको देखने के बाद आप यही कहेंगे कि सच में बिहार की तकदीर ऐसे जनप्रतिनिधि के हाथों में है जो किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं है। जहां हर घर नल जल योजना, गली नली पक्की सड़क बनाने की दावा कर रही है, वहीं किसी भी मजबूर बेसहारा परिवार के सर पर छत नहीं। कहीं शौचालय का पैसा मिला लेकिन वार्ड सदस्य द्वारा हड़प लिया गया, कहीं इंद्रावास के नाम पर प्रतिनिधि लूट रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या है जो कि अररिया जिले के पोखरिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 की एक वार्ड में इतनी समस्या है, पूरे पंचायत में कितनी समस्या होगी, पूरे ज़िले में कितनी होगी, क्या जिला अधिकारी को या प्रतिनिधि को इसकी खबर नहीं? देखिए अररिया से मुजम्मिल यजना की खास रिपोर्ट। अमीर सब को धमका दिया, गरीबों को नहीं मिला, अमीरों को मिला। अच्छा, ये निपुत्तर निपुत्तर चा नाम की बिलु हजरा खातू। कितना टका लेल कुतर? 12,000। कहिया लेल कुसु? यहाँ लेल की सर। तो पैसा कहला ना, कहने लेला हमारा पैसा। हमें काम करे छिंदलिया बहु की। नमस्कार आदाब, इस वक्त हम मौजूद हैं पोखरिया पंचायत में। हमारे पीछे जितने ग्रामीण आप देख रहे होंगे, इनकी चेहरों में जो मायूसी आप देख रहे हैं, उनको बयां करने के लिए हमारे हाथ में जो आप कॉपी हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें कुछ एक ही वार्ड के 15 लोगों के नाम है जिनके साथ ना इंसाफी हुई है सरकार द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा, यहाँ के विधायक हो या एमपी हो, यहाँ बहुत सारी समस्या है। आज मैं किसी काम से आया था और यहाँ की स्थिति देख के, यहाँ के एक समाज सेवी से जो हमारे शमशाद भाई हैं उनसे मैंने रब्ता कायम किया और कुछ लोगों को बुलवाने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोग आए अपनी अपनी मजबूरी लेके, और मैं आपको एक एक करके उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उनकी ज़बानी आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनवाने जा रहा हूँ। कोई मुसम्मात है, कोई विकलांग है, उसको इंदिरावास नहीं मिला, या उसके घर के बगल में कोई नाला नहीं है, कोई नल जल योजना नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, ये लोग हर दरवाजे से वापस आ गई है, कहीं पर इनका कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। सुनवाई नहीं करने का मतलब है कि प्रतिनिधि को पैसा नहीं दिया जा रहा है या इनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, जो इन लोगों का कार्य नहीं हो रहा है। अब हम अपने चैनल के माध्यम से एक एक लोगों से, एक एक ग्रामीण से उनसे पूछेंगे कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है और क्यों हुआ है, कब से परेशानी है। जब मैं इस रास्ते से आ रहा था, मैं रास्ता देख के ये सोच में पड़ गया कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिस सदी में नया बिहार नीतीश कुमार बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे एक एक फुट दो दो फुट गड्ढे में रोड है और यहाँ मिट्टी बालू। अगर आप कोई भी प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, मेरी सबसे अपील है, या जिला प्रशासन हो या यहाँ के प्रतिनिधि हो, मैं सबको एक बार अपील करना चाहूँगा, इस पंचायत में आप आए और देखें किस रास्ते से मैं आया हूँ, उसी रास्ते से आप भी पधारे यहाँ पे, तो यहाँ की जो जेन्युइन मजबूरी है, जेन्युइन जो रास्ता का प्रॉब्लम है, पानी सड़क बिजली का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इंदिरावास है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार दावा कर रही है कि हम हर जगह घर घर नल जल योजना पहुंचा रहे हैं, नाला पहुंचा रहे हैं, रोड पहुंचा रहे हैं, शौचालय पहुंचा रहे हैं, तो अररिया से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे ये पोखरिया पंचायत है और पोखरिया पंचायत के 11 नंबर वार्ड पे इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। 10-15 ग्रामीणों का मैंने नाम लिखा है जिसमें साफ साफ ये पता चलता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। तो हम अपनी बात को खत्म करते हुए यहाँ के ग्रामीण से जानेंगे कि आखिर ये परेशानी उनको कब से है और सरकार इतनी अंधी बहरी गोंगी क्यों है। यहाँ के जो प्रतिनिधि है, मुखिया प्रतिनिधि, उनके बारे में भी जानेंगे, उनका क्या विचार है, वो अपने क्षेत्र का किस प्रकार से विकास कर रहे हैं या किए हैं या करना चाहते हैं। यहाँ के ग्रामीण क्या क्या प्रॉब्लम है? हम अपना समस्या, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिलता, खाली एक वृद्धा बस, कुछ अभी नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा है। आपका नाम क्या हुआ? शकीला। शकीला, आप मुसम्मात हैं? हाँ। तो आपको कुछ मिला है सरकार के तरफ से? शायद इंदिरावास वगैरह कुछ, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? वृद्धा मिलता है। तो आपके घर के आसपास जो रोड है सही सलामत है? ढलैया हो गया, रोड बन गया, पानी आता है घर में आपका? घर हम पानी है। शौचालय वगैरह दिया है कुछ? सड़क वगैरह सब सही है? अररिया कैसे आते हैं? सड़क सही। किस तरह से जाते हैं अररिया में? अररिया की सब तरफ पेचैली चौक से। पेचैली चौक से इधर जो रास्ता है, ये पुल है, इधर से नहीं जाते हम लोग? नहीं पूजना है। हमारा मोजी
मोजी आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं गाड़वा। आपके जो प्रतिनिधि है वो किस प्रकार काम करते हैं, सही काम करवा रहे हैं यहाँ पे? प्रतिनिधि वो अपना अपना मन से काम कर रहा है, अपना अपना ये से काम कर रहा है, कोई बात का कोई इस तक ही नहीं। तो आप लोग परेशानी लेके उसके पास गए कि हमको ये परेशानी लेकर जाते हैं? जो इंदिरा आवास मिला हुआ था वो भी साइड बंद कर दिया, नाम साइड बंद कर दिया। कार्ड वगैरह है आप लोगों के पास? राशन कार्ड हमारा लड़का ठोको बंद करवा दिया। राशन मिलता था कितना साल से? करीब 10 साल से। पता नहीं थोड़ा झंझट करवाया, फट से कटवा कर। मिलता है सामान वगैरह? राशन कार्ड कोटा में मिले जी। कोटा में मिलता है? और क्या मिला सरकार के तरफ से? घर में पानी वगैरह आता है? वो कुछ नहीं। शौचालय का पैसा वगैरह मिला है? तो आप लोग कम्प्लेन नहीं किए? कुछ नहीं। मुखिया को बोले आप लोग? मुखिया बोले मुखिया बेटा क्या बने, मुखिया बेटा क्या बने? क्या नाम है मुखिया का? घर नान मुखिया। क्या वार्ड में उनका घर है? 12 है। तो मुखिया जी पैसा मांगते हैं? पैसा मांगे। आपका वार्ड मेंबर जो है उनको नहीं बोले आप लोग? क्या मांगे वार्ड मेंबर पैसा आता क्या मांगे? क्या नाम है वार्ड मेंबर का? मुजाहिद। 11 वार्ड के मेंबर है वो। शौचालय तो है, वो क्या बोले अपना घर से बनाइए शौचालय। हम लोग कहाँ से घर से पैसा लेकिन हम लोग क्या करें? क्या मेंबर लोग पहले बनाओ तब सरकार। हम लोग का इंदिरा आवास अभी तक कुछ मिला है नहीं? कुछ नहीं मिला। नाम आया नहीं मिला है? अमीर सबको धमका दिया। गरीबों को नहीं मिला, अमीरों को मिला। जो सच्चाई है सच्चाई बोल। नदी के किनारे इस बार कोई बंद नहीं दिया गया है और पानी आने के कारण मेरे नंबर 10 वार्ड 11 वार्ड के आदमी परेशान होते हैं। उसके कारण कोई देखरेख करने के लिए नहीं आता है, जिसके चलते हमारा 11 वार्ड का आदमी और 12 वार्ड का आदमी 10 वार्ड का आदमी सारा परेशानी झेलना पड़ता है। और पैसा के लिए कोतरा से मुजाहिद के छे मेंबर छे। कते को मेंबर छे? क्या वार्डक? 11 वार्डक। ते मौसम अच्छा है? ये निपुत्तर। निपुत्तर चा नाम की बिलु? हजरा खातू। कितना टका लेल कुतरा? 12,000। कहिया लेल कुस? यहाँ लेल की सर। तेरा पैसा कहला ना कहने लेला हमारा पैसा? हमें काम करे छिंदलिए बहु की है। किसी काम का पैसा? शौचालय मोहम्मद शमशाद आलम। आप यहाँ के समाज सेवी हैं और किसी पद पे हैं क्या? नहीं, तैयारी कर रहे हैं सरपंच पद पे। सरपंच पद? हाँ, बाकी हमारा पंचायत के अंदर में जो भी प्रतिनिधि आया बेकार एकदम, बिल्कुल ना काम की कोई विकास के बारे में किसी को वैसा ही दिशा द्वार है ये नहीं है कि जो कि सोचे जनता के बारे में। नदी अनकरीब में है, पुलवार नहीं है, रोड घाट बिल्कुल चौपट है। इस कारण से हम लोग बार बार कंप्लेन भी दिए, कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा। मुखिया है, सरपंच है, समिति है, वार्ड सदस्य है, कोई इस बात को जो ना उठाने के लिए राजी नहीं हो रहा। इसलिए तो बारिश वगैरह में बरसात वगैरह में तो आप लोगों को काफी दिक्कत होता होगा? काफी परेशानी, काफी। जैसे कोई बीमार पड़ा, एम्बुलेंस वगैरह मंगाने, बड़ी प्रॉब्लम, चारपाई पे ले जाना पड़ता है। तो ऐसा सीरियस स्थिति में उसके मृत्यु भी हो सकती है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या जिला प्रशासन या विधायक? कई जगह एमपी साहब को भी इसका प्रमाणित दिए, विधायक जी को भी दिए, मुखिया महोदय को भी दिए है ना। क्या आश्वासन मिला? हाँ, हो जाएगा। कब से ये स्थिति? ये स्थिति ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर 87 से अब तक हम लोग ऐसे ही परेशान में हैं। तो अभी जो नल जल योजना है वो भी नहीं पहुंचा है अभी तक कहीं पर, कोई नहीं। लाइट वेट का जो सरकार ने दिए हैं वो भी हम लोग के यहाँ तक नहीं पहुंचा है। लेकिन ये यूज करने वाला जो है बीच में बिचौलिया लोग ये सब जो की यूज होने के लिए नहीं दे रहे। तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से आप प्रशासन से क्या अपील? यही कहना है कि जो की प्रशासन अपने ही हिक में ला करके ये सब काम विकास कराए, बिचौलियों से बचे। जैसे कि यहाँ लूट खसोट वाला तो कोई कोई आदमी को इंदिरा आवास मिला तो 20,000-25,000 रुपए मांगोट घाट के बारे में काम करवाया तो उससे भी पैसा मांगा है। इसमें जांच? हाँ, एकदम पक्की अपील कर रहे हैं कि जो कि बढ़िया से बढ़िया जांच बैठा है ये सारा चीज को आप